नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जय हिंद, जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 19 फरवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास खबरें आपको बताने के लिए और एक स्पेशल बात आप सबसे करने के लिए। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो संदेश में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और लाइक और कमेंट भी तमाम साथी जरूर कर दें, ताकि हमारा संदेश देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों तक पहुंच सके और वो इस संदेश से लाभान्वित होकर अपने अपने भुगतान का दावा अपने अपने सक्षम अधिकारी के यहां करके अपना भुगतान प्राप्त कर सकें, तनाव से बाहर आ सकें। दोस्तों, कई खबरें बड़ा विचलित कर देने वाली आ रही हैं। कल किसी हमारे एजेंट साथी ने एक ने सुसाइड भी कर ली। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि उससे समस्याएं और बढ़ जाती हैं। आप अपनी जिंदगी की समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन आपके पीछे जो परिवार होता है उसे और अनेक तरह के कष्ट झेलने पड़ते हैं, जलालत झेलनी पड़ती है, जिंदगी नरक बन जाती है आपके पीछे आपके परिवार की। इसलिए कोई भी साथी इस तरह का कायराना कदम ना उठाएं, कायराना हरकत ना करें, बल्कि बहादुरी के साथ लड़ें। क्योंकि दोस्तों, आपने कोई अपराध नहीं किया है, सरकार से लाइसेंस प्राप्त कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपने परिजनों को अपने परिचितों को निवेश की सलाह देना कोई अपराध नहीं है, और उस सलाह के बदले यदि आपको कोई कमीशन भी मिला है तो वो भी कोई जुर्म नहीं है, अपराध नहीं है। ये जितनी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज देश भर में चल रही थी वो सब लाइसेंस शुदा थी, उनका कारोबार भले ही गैर कानूनी था, लेकिन उन्होंने सरकार से, बल्कि जो कानूनी कारोबार होता है उससे भी कहीं ज्यादा सर्टिफिकेट्स लाइसेंस इन ठगों ने जुटा रखे थे। इसलिए अगर इनके झांसे में आप आ गए, इनके चक्रव्यूह में आप फंस गए, इनके यहाँ काम करने लगे और अपने परिचितों की, नातेदारों की, रिश्तेदारों की पूंजी को आपने इनके पास निवेशित करा दिया और वो डूब गए, तो इसमें आपका कोई अपराध नहीं है दोस्तों। अपराध तब है जब आप किसी निवेशक की जमा राशि किसी कंपनी के नाम पर लेकर उस कंपनी में जमा नहीं की और खुद खा गए, तो वो अपराध है। लेकिन इतना बड़ा अपराध वो भी नहीं है कि उसके लिए आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें, ये उचित नहीं है दोस्तों। क्योंकि अब तो देखो, अगर आप सत्य के मार्ग पर हो, आप सच्चे हो, आपने निवेशक का पैसा लेकर के किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाने अनजाने जमा करवा दिया है, चूंकि आपको स्वयं नहीं पता था कि वो ठग है, भाग जाएगा या सरकार उसके काले कारोबार को द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 के अंतर्गत या किसी स्टेट के लोकल पीआईडी एक्ट के अंतर्गत बैन कर देगी, या आपको भी पता नहीं था। चूंकि तमाम राज्य सरकारों ने रोजगार मेले लगाए और उनमें इन कंपनीज के प्रचार प्रसार हुए, तमाम चीफ मिनिस्टर्स, तमाम सांसद, विधायक, आईएएस, आईपीएस इन रोजगार मेलों में उपस्थित रहे, और आप भी अगर इनके झांसे में आ गए ठगों के में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपराध केवल आपका नहीं था, अगर अपराध था तो वो पूरे सिस्टम का था, स्टेट का था। स्टेट के अपराध की सजा आप भोगें, आपके बच्चे भोगें, ये किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं है दोस्तों।
आप अपने आप को अपराधी ना माने, अपराध बोध से बाहर आए। किस लिए बाहर आए? एक तो भौतिक बात, साधारण जीवन की बात है कि आपका और आपके निवेशकों का भुगतान करने की, आपको सुरक्षा देने की गारंटी सरकार ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बनाकर आपको दे दी है। पहली बात जो व्यवहारिक बात है, प्रैक्टिकल बात है, कोई गधे से गधे भी इस बात को समझ लेगा। जब सरकार ने आपके भुगतान की गारंटी ले ली, आप आवेदन करें, सरकार आपका पैसा वापस करेगी, कंपनी मर गई, भाग गई या बैन कर दी गई, इससे आपके भुगतान पर असर नहीं पड़ेगा। सरकार आपका पैसा वापस करेगी, वो भी आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, 180 दिन में करेगी। तो आपको निश्चिंत होना जाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए किसी से, न किसी निवेशक से, न पुलिस से, न किसी नेता अभिनेता से। आपको अपने उस भुगतान की गारंटी के अधिकार का प्रयोग करके अपना और अपने निवेशकों का भुगतान करवाना चाहिए। पहली बात तो यह है दोस्तों। दूसरी बात, आप पीड़ित हैं, आपको पीड़ा पहुंचाई जा रही है, आपका उत्पीड़न किया जा रहा है, आपका शोषण किया जा रहा है, कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके लिए भी कई कानून हैं। कोई भी व्यक्ति तो छोड़िए, कोई सरकारी संस्था भी, बैंक तक अगर आपको कर्ज भी दे देता है और आप डिफॉल्टर हो जाते हैं, उसका कर्ज समय पर वापस नहीं कर पाते, तो वो जबरदस्ती आपसे उस कर्ज को नहीं वसूल सकता, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, आपको आत्महत्या करने के लिए विवश नहीं कर सकता। और ऐसा वो करता है तो वो अपराधी होता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो जबरदस्ती आपसे वसूली कोई नहीं कर सकता, आपका अपमान कोई नहीं कर सकता। ये भी आईपीसी का सेक्शन 384 कहता है दोस्तों, आप उसका उपयोग करें। यदि आपके साथ कहीं कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, जबरन धन वसूली हो रही है, आपको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी सरकारी एजेंसी द्वारा या किसी निवेशक द्वारा, दूसरा कारण ये दोस्तों। इसलिए भी आपको आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। व्हाट्सएप आपके भुगतान की गारंटी दे रहा है, उसका प्रयोग कीजिए। तीसरा दोस्तों, यदि आप सच्चे हैं, सत्य मार्गी हैं, तो स्वयं नारायण आपकी रक्षा के लिए तैनात हैं। सत्य की विजय उन्होंने निश्चित की है, आपकी भी विजय होगी, लेकिन समय वो तय करते हैं, समय में और आप तय नहीं कर सकते। हम लोग जल्दबाजी में आकर ऐसे घोर घृणित कदम ना उठाएं, क्योंकि ये जल्दबाजी आपकी पहले भी दुश्मन बनी है, आपकी जिंदगी को, परिवार को तबाह किया है इस जल्दबाजी ने। और आज भी आप अगर जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में आकर आप आत्मघाती कदम उठाएंगे, ठगों के दलालों के चंगुल में फंस जाएंगे, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको पछताना पड़ेगा और बहुत सारे सुख सुविधाओं से, आनंदों से, जीवन के अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसलिए इस जल्दबाजी के भ्रम जाल से बाहर आओ तमाम साथी, चूंकि जल्दबाजी आपकी पहले भी दुश्मन रही है, आज भी आपका सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो सरकार नहीं है, कोई ठग नहीं है, सबसे बड़ा दुश्मन अगर आपका जीवन में कोई है, देश की तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का, तो वो केवल आपकी जल्दबाजी है। आप जिस दिन इस जल्दबाजी के चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे, अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, चीजों को ठीक से समझने का प्रयास करेंगे, तो सत्य आपकी समझ में आ जाएगा। और जब सत्य आपकी समझ में आ जाएगा, तो आप दुनिया के हर भमर जाल से बाहर आ जाएंगे, लड़ने का साहस पैदा हो जाएगा। आप लड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान होगा दोस्तों। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूं, इतना लंबा जो प्रवचन उपदेश देता हूं, मैं केवल इसलिए देता हूं ताकि आप अपने खोए हुए आत्मबल को वापस प्राप्त करें, अपनी उस कला का हुनर एक बार फिर दिखाएं जो आपने लोगों का पैसा जमा करवाते वक्त जिस कला का परिचय दिया था। पैसा कौन किसी को देता है, लेकिन आपने लोगों की किचन तक से पैसा निकलवा लिया, डब्बों में से रखा हुआ, वो एक बहुत बड़ी कलाकारी थी। आपने एक जेब कतरे को, सुब्रत राय जैसे जेब कतरे को, संजय भाटी जैसे जेब कतरे को, गुर्दा चोर पीपीएस सेठी जैसे को, वो प्रीतम सिंह जैसे को, राहुल मोदी जैसे को, आपने
अर्श फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया दोस्तों। अरबों खरबों हजारों करोड़ के मालिक बना दिए अपने अपने परिश्रम से, अपनी कला का प्रदर्शन करके। उसी कला का प्रदर्शन करने की आज आपको जरूरत है, लेकिन उस कला का प्रदर्शन आप तब कर पाओगे जब आप भ्रम के शिकार नहीं होंगे, अपने आत्मबल को मजबूत करेंगे, अपने अंदर साहस पैदा करेंगे, ये विश्वास लाएंगे कि अब आपका भुगतान कोई रोक नहीं पाएगा, आपका उत्पीड़न कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि कानून आपके साथ खड़ा है, सत्य आपके साथ खड़ा है, नारायण आपके साथ खड़े हैं, हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमा करता परिवार आपके साथ खड़ा है, और हम स्वयं नारायण का प्रतिनिधि बनकर पृथ्वी पर आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। कि अगर आप सच्चे हैं तो आपकी उंगली का नाखून भी संसार की किसी ताकत को हम उखाड़ने नहीं देंगे। इतने विचलित ना हो, जब आपका विचलन बढ़े, व्यथा बढ़े, तो मुझे याद किया करें, हम आपकी मदद करेंगे। इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया है, वो आपकी मदद करेगा, सरकार आपकी मदद करेगी, पुलिस आपकी मदद करेगी। पुलिस केवल थाने वाली नहीं होती है, उसके ऊपर भी पुलिस होती है, एसपी होते हैं, कमिश्नर होते हैं, आईजी होते हैं, डीआईजी होते हैं, डीजीपी होते हैं, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, उनके ऊपर भी होम सेक्रेटरी होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, पूरा एक सिस्टम है, कोर्ट है, जो सब आपकी रक्षा के लिए खड़े होंगे, बशर्ते आप उनसे रक्षा की मांग करें। आप मांग ही नहीं करेंगे, घुट घुट कर मर जाएंगे, तो परमात्मा भी आपकी मदद करने नहीं आएंगे। हिम्मते मददे मददे खुदा, आप हिम्मत मत हारिए दोस्तों। हिम्मत हार जाओगे तो ना आपका पैसा वापस होगा, न आपके घर परिवार में सुख शांति वापस आ सकेगी। और अगर आप हिम्मत से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे, और न केवल अपना भुगतान प्राप्त करेंगे, बल्कि अपने पावन पवित्र भारत वर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करेंगे। ये दो काम जरूर होंगे, इन्हें होने से संसार की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मैं पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं, हिम्मत मत हारो, घबराओ मत, तनाव मत लो, उठकर खड़े हो जाओ, आलस्य को त्याग दो, जागो। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया की ताकत का प्रयोग करो दोस्तों, ये सबके लिए उपलब्ध है। जरा सी देर में चीजें वायरल हो जाती हैं, लेकिन आप उदासीन हो गए, थक गए, निराशा के भाव में चले गए, इसलिए आप सोशल मीडिया जैसी बड़ी ताकत का भी प्रयोग ठीक से कर नहीं पा रहे, और आपने ये मान लिया है कि अब आप इस लड़ाई को जीत नहीं पाओगे, पैसा आपका मिलेगा नहीं तो मर जाना बेहतर, आपने समझ लिया है, इसलिए मर जाते हो। ऐसा मत समझो, ये कोरा भ्रम है, झूठ है। मरने की आवश्यकता नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। कानून आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, संगठन आपके साथ है, संसार की किसी भी ताकत को आपका बाल तक नहीं नोचने देंगे, सबको धूल धूसरित करेंगे, आपका पैसा दिलाएंगे। चिंता न करें, तनाव ना लें दोस्तों। मैं कई दिनों से चीख रहा हूं आपसे कि दोस्तों एक चार्ट बना लो, आपको चार्ट नहीं बना पा रहे हो, चार्ट बनाइए, विनयपूर्वक मांग करें, इस कानून का हवाला दें, आप सबका भुगतान होगा। मिलता हूं कल फिर आपके साथ सुबह, क्योंकि समय नहीं है दोस्तों। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जो साथी हमारे संगठन के हैं, जिनके आई कार्ड नहीं बने, जिनके ज्वाइनिंग लेटर नहीं बने, नियुक्ति पत्र नहीं बने, वो थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि 12 मार्च तक बहुत मारामारी है, उनको फुर्सत नहीं है बिल्कुल मरने की भी। 2.5 दिन हो गया हमने रोटी के दर्शन नहीं किए, आप समझ सकते हैं, थोड़ा सा हमारी पीड़ा भी समझें, नेताओं की पीड़ा, भगवानों की पीड़ा क्या होती है, वो किसी से कह भी नहीं सकते, लेकिन हम तो कह देते हैं, थोड़ा सा हमारी पीड़ा, हमारे दुख, हमारे दर्द को समझा करें, संयम से काम लें, जल्दबाजी मत करो, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके जीवन के सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। मिलता हूं कल, जय हिंद, जय भारत।